नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीजे शशि जी जिस तरह का पोस्टर या थंबनेल बनाते हैं, उस तरह का पोस्टर या थंबनेल कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, और वो एप्लीकेशन का नाम है पिक्सेल ऐप्स, जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उसका लिंक जो है फर्स्ट में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पिक्सेल ऐप्स को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे पिक्सेल ऐप्स को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज साइज़ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इमेज साइज़ पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसका जो साइज़ है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म टू गैलरी, तो हम यहाँ गैलरी पे क्लिक कर लेते हैं। गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक बैकग्राउंड को ले लेते हैं। पिक्सेल ऐप में मैंने रखा है उसको ब्लर करके, ये रहा बैकग्राउंड, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से डन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड जो है आ चुका है। उससे पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद इसको आपको इस तरह से फिंगर से आपको इसको जूम कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये डॉट पे क्लिक करके इस तरह से आप जूम कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप एंड तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम पूरा जूम कर लेते हैं। और सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं मैंने ब्लर करके रखा है, तो आपको भी ब्लर करके रखना होगा। ठीक है, अगर आपको ब्लर करना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस डॉट पे क्लिक करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो आपको लॉक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो है लॉक हो जाएगा, कहीं हिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप पिक्चर को लेना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी सिंगर का आपको पिक्चर ले लेना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर को कटआउट करके रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, खेसारी लाल यादव जी को, और इसको हम इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पे कोने पे नीचे में ला कर सेट कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको लॉक कर देना होगा। ठीक है, आपको हर चीज़ को लॉक करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको भी लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्लस के आइकन पे, और फिर से आपको गैलरी पे क्लिक कर देना होगा। तो हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम काजल रघवानी को ले लेते हैं। ठीक है, और डन कर देते हैं। आपको सभी चीज़ को कटआउट करके रखना होगा, इसका जो बैकग्राउंड इरेज करके रखना होगा। अगर नहीं आता है तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा ऑन करके उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दोनों को लॉक कर देना होगा, तो हम यहाँ पर दोनों को लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं प्लस के आइकन पर, और उसके बाद फिर से गैलरी, और यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल दिया हूँ। ये जो आपको फोल्डर दिख रहा है डीजे थंबनेल पैक, तो इसमें मैंने बहुत सारे सैंपल दिए हैं, आप इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम पहले तो इसको लेंगे, और इसको लेने के बाद इसको पूरा ऐसे बड़ा कर लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पे सेकंड थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आने के बाद यहाँ पे आपको कलर दिख जाएगा, तो कलर पे क्लिक कर लेना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप जो कलर लेना चाहें ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ से ब्लू लेंगे, तो हम यहाँ पे
प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे ब्लू पे जाते हैं और ओके कर देते हैं और डन कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके बाद इसको नीचे की तरफ खींच लेना है और उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और इसको भी लॉक कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के लिए आपको इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, जैसे कि हम आपको फिर से दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुप्लीकेट करने का ऑप्शन दे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करके रखना है इसको और यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे क्रॉप जो आपको दिख रहा है क्रॉप पे क्लिक कर लेना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ इस पर टच कर देना है, ये जो आपको दिख रहा है इस पर आपको टच करना है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसको भी आपको लॉक कर देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर से हम एक और चीज़ लेंगे इसमें, तो हम फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और गैलरी, और ये जो आपको ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन बहुत ही पॉपुलर है, यानी अभी बहुत ही सॉन्ग में यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको भी हम ले लेते हैं। सारा का सारा लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसमें पासवर्ड रहेगा जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो इसका साइज़ आपको यहाँ से मिनिमाइज कर लेना है, इसको 100 कर देना है। ये जो पहला ब्रश आपको दिख रहा है वेट, तो इसको 100 कर लेना है इस तरह से और उसके बाद डन कर देना है। ठीक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर पे आ चुका हूँ और थर्ड नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कलर पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं, हरा पीला लाल जो आपको अच्छा लगे, तो हम फिलहाल यहाँ पर पीला दे देते हैं। उसके बाद इसको भी हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं और इसके अंदर तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐड करने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इसका पहले तो हम नेम डाल देते हैं, तो क्या लिखें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लवर ल, और यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है हिंदी में लिखने में, तो किधर है मिल जा भाई, यहाँ पे लवर र किधर है भाई, हाँ लवर लवर से शादी। ठीक है, तो पहले हम इतना ही लिखते हैं, उसके बाद शादी लिखेंगे अगला में, उसके बाद इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे क्लिक करके ए का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप इसका फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास जो फॉन्ट हो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो है हम इससे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कलर देना होगा। कलर देने के लिए आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहले सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, सेकेंड नंबर पे आपको रहना है, उसके बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं, अगर डबल कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे डबल कलर दिख जाएंगे, जैसे कि मैंने ये बना के रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं उसको आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ब्रश को मैंने यूज किया है। ठीक है, तीन ब्रश को यूज किया है, यहाँ पर पहला ग्रीन और दूसरा ग्रीन, बीच में जो वाइट है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम डन कर लेते हैं और इसको जो है शेडो देते हैं, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक लेके उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एस पे क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद आपको अगर आप और भी देना चाहें तो इस पर स्लोप दे सकते हैं, शेडो जो यहाँ पे है एक और, इसको देने के बाद आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से, तो चलिए हम यहाँ पे रेड दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम जूम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम फिर से एक टेक्स्ट को ले लेते हैं
आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों उपलब्ध हैं, तो हम यहीं से लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। और इसको हम जो लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शादी। जैसे कि एक सॉन्ग आया था लवर से शादी, ऐसे कुछ था उसका टाइटल, तो यहाँ पे हम वही पोस्टर को हम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सा नहीं मिल रहा, हाँ ये रहा सा, और यहाँ पे शादी। उसके बाद डन कर देता है। डन करने के बाद इसका भी फॉन्ट सेम प्रोसेस चेंज कर लेना है उसी तरह से। जैसे कि पहले तो हम कलर पे जाते हैं, कलर पे जाने के बाद यहाँ पे हम इस कलर को ले लेते हैं, उसके बाद डन कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा भी कलर बनाना है मैंने बता दिया है, उसी तरह से आपको बना लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर से हमको यहाँ पे दोनों पे शेडो देना है, यहाँ पे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करिए फर्स्ट वाला पे और इसको भी ऐड कर लेना है इस तरह से। तो ऐड हो गया, सॉरी ऐड। उसके बाद डन कर देते हैं। फिर उसके बाद इस ये वाला जो शेडो, इस पर क्लिक करते हैं और इसको इनेबल करके, या फिर आप जो कलर देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो ब्लैक ही शायद ठीक था, तो ब्लैक ही रहने देते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद इस तरह से इसको कर लेना होगा, ठीक है, और इसको भी लॉक कर देना होगा। और उसके बाद आप चाहें तो एक को कॉपी करके और यहाँ से आप सिंगर का जैसे नाम दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं। हमको हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं। यहाँ पे खेसारी खेसारी लाल यादव, ठीक है। उससे पहले जो देते हैं क्या लिखता है मालूम नहीं, यहाँ पे सब वर्ड जो लिखते हैं इस तरह से। और इस तरह से आपको कर लेना होगा और इसको छोटा कर लेना होगा। छोटा करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। आप सिंगर का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम इसका कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी यहाँ पे क्लिक करके लॉक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डीजे वगैरह जो भी आप लिखना चाहें, तो अपना नाम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत पोस्टर में लिखा हूँ, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ले लेना होगा। और उसके बाद इसका जो हल्का कर लेना है यानी 50, और इस पर कुछ कलर ले लेना होगा, जैसे कि हमने इस कलर से ज़्यादा कुछ यूज किए हैं थंबनेल को, और यहाँ पे इसको हम कलर करके उसके बाद नीचे आना होगा। एक और कलर यहाँ पे ले लेना होगा जो कि आपका ब्लैक के साथ में रहे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। और इसको छोटा कर लेना होगा, आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप इसको कम बेसी भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप जितना चाहें कर सकते हैं। और एक साइड में लगा सकते हैं जिधर आपको इच्छा हो लगाने का, इधर तो इधर। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अपना नाम, जैसे कि हम लिख लेते हैं और जैसे डीजे बबलू राज लिख लिए, ठीक है। और इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो भी आपको फॉन्ट हो आपके पास उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल हम इस फॉन्ट को यूज करते हैं सभी सॉन्ग में और सभी पोस्टर में। तो इस तरह से हो गया। और आप इस पे कलर भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उससे पहले हमको इसको पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये, इस पे आपको टच करके रखना है, यहाँ पे आपको होल्ड क्लिक करके और इसको नीचे की तरफ खींच लेना है, ठीक है, इस तरह से। तभी ये जो है आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ तक खींच लेना होगा। उसके बाद बस, उसके बाद ये नेम है, सॉरी
सॉरी, इसको लॉक कर देना होगा। उतना करने के बाद लॉक कर देना होगा ताकि ये हिले ना। और ये जो नेम है, नेम पे हम कलर दे देते हैं। कलर देने के लिए सेम प्रोसेस, कलर पे क्लिक करना है और जितना माप देना चाहें उतना माप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम केवल डीजे में डी में देंगे और बी में देंगे और आर में देंगे, ठीक है। तो हम देखिए कैसे देते हैं। यहाँ पे इसको केवल डी पे क्लिक करते हैं इस तरह से फिर से, और फिर कलर पे जाएंगे और फिर केवल बी पे क्लिक करेंगे। दोनों तरफ से केवल बी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रीन दे देते हैं। उसके बाद फिर से हमको केवल आर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम फिर पीला दे देते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको एक एक वर्ड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद डन कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे जो हम दोनों शेडो देते हैं वो दे देते हैं, ठीक है, सेम उसी तरह। या फिर यहाँ पे एक एक शेडो दे सकते हैं, बस काफ़ी है। और यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद इसको भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉक कर दिया। और यहाँ पे आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं या फिर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये जो आप लोग को दिया हूँ तो इसके अंदर बहुत कुछ दे दिया हूँ। ये है, आपको ये सब सारा यूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल आपको डीजे को लेकर दिखाते हैं और इस तरह से इसको छोटा कर लेना होगा। छोटा करने के बाद आप जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको लिखना होगा हर वर्ड, हर जो मैंने जो भी कुछ लगाया है उस तरह से, ठीक है। और इसको सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो कस्टम आपको दिख रहा है, कस्टम पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप कस्टम पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको लो दिख जाएगा, मीडियम दिख जाएगा, हाई दिख जाएगा, वेरी हाई दिख जाएगा। और यहाँ पर अल्ट्रा जो दिख रहा है आपको लास्ट में, आपको अल्ट्रा पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अल्ट्रा पे क्लिक करना होगा। अल्ट्रा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा बिल्कुल HD क्वालिटी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।